तो बेटा हम 1.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनके बारे में बात करेंगे हम। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.4, दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिखाई दे रहा है ना? जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, कि कौन कौन से पेयर जो है वो इक्वल है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 3, इसने ए इज इक्वल टू 2 3 दिया है। उसके बाद बी दिया है इसने, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बेटा हमें बताना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इनके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा भाई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म क्लियर दिखाई दे रही है? रोस्टर फॉर्म समझ में आती है? बोलो बेटा, माइक ऑन करके बोला करो। और इधर जो है हमारी, जी ठीक है, ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके फैक्टर किए। तो हमने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघातीय समीकरण, मुझे उम्मीद है कक्षा 9 या 10 से तुम लोग जानते होंगे फैक्टर करने इसके। ये कोई दिक्कत है भाई इनमें? तो एक्स हमने जी कॉमन लिया, एक्स प्लस 3, टू हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा पूरे क्वेश्चन में से एक्स प्लस 3 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप जो देख रहे हो, तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आ गई वो -3 आई, और एक्स की जो वैल्यू है वो -2 आ गई। देखो बेटा एक बार, क्वेश्चन यही था ना? तो देखिए एक्स की वैल्यू -3 -2, तो यानी अगर मैं बी सेट यहां लिखता हूं तो -2 -3, सॉरी -3 और -2, ये आ गया हमारे पास। तो क्या दोनों सेट इक्वल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, बताओ बेटा? क्या तुम्हें जी इक्वल है दोनों? बेटा इक्वल नहीं है, ये 2 3 है, ये -2 -3 है। इट इज जी नॉट इक्वल। तो आप यहां आंसर लिख देंगे कि ये जो सेट है हमारे पास, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे, जी जी ठीक है भाई? अब हम सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट। तो बेटा छठा क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ही करना है। इसमें आप इक्वल सेट सेलेक्ट करेंगे कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो आज का जो होमवर्क है वो पांचवा और छठा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए इसके बाद सबसेट्स, नया जो हेडिंग है, कॉपी पेन साथ रख रखा नहीं रख रखा भाई? जी कॉपी पेन साथ रखा है? हाँ। जी तो बेटा ये है हमारा सबसेट्स। तो देखिए अब हम सबसेट देखते हैं, सबसेट में क्या है। देखो हमारे पास एक सेट है, ये सपोज करो ए, एक सेट है हमारे पास ए बी सी। और बेटा एक सेट लिखा हमने यहां पर बी, बी में हमने लिख दिया ए सी। ओके, होगी यहां तक की बात। अब आप देखें कि बी के जो एलिमेंट है हमारे पास वो ए में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने बोला है कि
बी के एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन ए। भाई कोई और भी जुड़ने की डिमांड कर रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जो भी जुड़ा है क्या नाम है बेटा तुम्हारा? माइक ऑन करके बोलो। चलो देखिए, मैंने एक सेट लिखा है ए, जिसके एलिमेंट है ए बी सी। दूसरा सेट लिखा है बी, जिसके एलिमेंट है ए सी। आप चेक करेंगे बी के एवरी एलिमेंट ए में है, तो बेटा बी जो है वो क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ ए। ये जो निशान है आपका, इस निशान को हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट का हिंदी में मतलब होता है उपसमुच्चय। यानी अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं, कंटेन कर रहे हैं, अब ये मतलब नहीं कि यहाँ बच भी रहे हैं, बचने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सेट है आपका बी, ये ए का सबसेट कहलाना, बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बेटा, ये आपकी एक शॉप है, ये एक दुकान है, और इस दुकान से आप सामान खरीदने के लिए लिस्ट लेके गए कि भैया ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें सामान आप दे दें। तो बेटा ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ये दुकान वाला आपको सारा सामान दे देता है, तो क्या उसकी जो दुकान है वो खाली हो जाएगी? बोलो जरा, बोलो बेटा। नहीं तो यानी हमारी जो लिस्ट है इसका एवरी एलिमेंट कंटेंट कर रहा है कहाँ में? शॉप में। तो बेटा हमारी जो लिस्ट है वो सबसेट है शॉप की, दुकान की। अब समझ में आई होगी ना बात? ऐसे ही हमने यहाँ जो सेट लिखा जी ए सी, ए सी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर। अब ए में आके बचे चाहे ना बचे, रिमेनिंग एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई हमारी लिस्ट इस दुकानदार ने पूरी कर दी, अब आके इस पे सामान बच रहा है, थोड़ा है ज्यादा, इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमारी जो लिस्ट है वो कहलाएगी सबसेट ऑफ शॉप, दुकान की सबसेट कहलाएगी। तो बेटा सबसेट जो होता है आपके पास वो आपकी समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। और ये साइन जो है, ये एक सी बना दो लंबी सी, इस तरीके से सी की टांगे थोड़ी सी खींच लो, तो ये जो निशान है आपका ये क्या कहलाता है? सबसेट। तो बेटा सबसेट समझ में आ गया, या दोबारा बताऊं कोई बात? चलो जी सर आ गया सर। ठीक है। तो देखिए अब एक सेट है, इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? हमने एक सेट लिखा, अब इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? देखिए हमने एक सेट लिखा, सपोज करो ए इज इक्वल टू, या ए भी छोड़, चलो अच्छा ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो हमने क्या किया, सबसेट लिखने शुरू किए। तो बेटा एक सेट लिखा हमने ए, क्या ये सबसेट है इस कैपिटल ए का? यस और नो में आंसर। क्या ये सेट इस बड़े वाले सेट का सबसेट है? यस और नो। जी वेरी गुड। यस क्या ये सबसेट है? यस यस। और तुम बोलो क्या बन सकते हैं? सी, ये भी सबसेट है। सी ओके। और क्या बन सकते हैं? ए बी, ये भी सबसेट है इसका। वेरी गुड। जी बी सी, ये भी सबसेट है इसका, होगा ना? जी जी ए सी, ये भी सबसेट होगा इसका। और बताओ और क्या जी हो सकता है सबसेट? बोलो बेटा, बोलो और क्या हो सकता है सबसेट इसका? देखो ए एक एलिमेंट लिखा और कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दिया, तो ये इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ए बी बी सी ए सी, ये सारे सबसेट है। और भी सबसेट लिखे जा सकते हैं क्या? लगाओ बेटा दिमाग जी लगाओ, कोई बात नहीं, गलत ही बताओ, बताओ क्या हो सकता है? देखो मैं बताता हूं, एक हमने लिख दिया
ए बी सी, ये भी तो सबसेट है भाई। इसके भी जी तो सारे एलिमेंट यहाँ कंटेन कर रहे हैं, सारे एलिमेंट यहाँ जी उपलब्ध सर है, ये भी तो सबसेट कहलाएगा। जी चलो जी सर मतलब इस ये सबसेट उस स्थिति में है, दुकान पे जितना सामान था उतनी हमारी लिस्ट थी, हमारी लिस्ट की तो पूर्ति कर दी दुकान ने। अब दुकान खाली होगी इससे मतलब नहीं, तो बेटा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट। दूसरी बात ये, क्या इस सेट को जानते हो आप? डू यू नो दिस सेट? इस सेट को क्या बोलते थे हम, बोलो बेटा, इस सेट को क्या बोलते थे हम? भूल गए, एम्प्टी सेट। तो सेट ये जो एम्प्टी सेट है आपका, रिक्त समुच्चय है भाई, ये भी तो बिलोंग कर रहा है। हाँ भाई, खाली जगह तो सभी जगह बिलोंग करती है, जैसे एक है, एक सबको डिवाइड करता है, ऐसे ही ये जो हमारा एम्प्टी सेट है, ये तो सब जगह उपलब्ध है। एम्प्टी तो सब जगह, भाई तुम एक ब्लैंक लिस्ट लेके जाओ दुकान पे, कुछ ना सामान लिखो, तो वो भी तो सबसेट कहलाएगी दुकान की। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या हुए, सबसेट। अब बेटा बात आती है, नोट करके एक आध पॉइंट आप लिखेंगे, नोट करके पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ऑल सबसेट। देखिए ये एक सेट था ए, और ये इसके सबसेट बने। कभी-कभी क्या होता है, तुम्हारे से ये पूछ लिया जाता है कि ये एक सेट है, इससे कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट। तो बेटा काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी नंबर ऑफ ऑल सबसेट का जो फॉर्मूला रहेगा वो 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी ये जो सेट हमें दिया था, इसके अंदर एलिमेंट काउंट करो बेटा, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 3। तो n की जो वैल्यू आ गई 3, तो बेटा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर में रख दो, तो उतने उसके सबसेट बनेंगे, चाहे आप बना के देख लेना। ये बात क्लियर हुई? चल वेरी गुड। और बेटा दूसरा दूसरा लड़का कौन जुड़ा है भाई, वो अपना नाम ही नहीं बता रहा, कौन है भाई दूसरा? दो दो, पता नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ऑनलाइन क्लास की भी आप लोग अपनी आदत बनाएं, क्योंकि स्कूल कभी भी बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लास चलेगी फिर। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गया होगा। अब आता है सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, इस सबसेट के बारे में देखो आप, ए बी सी, ये जो सबसेट है आपका, ये सेम है बिल्कुल, जो सेट था वही सबसेट है बेटा, जो सेट था वो ही सबसेट है। तो यानी एवरी एली एवरी सेट अपने आप का सबसेट होगा। तो यहां आप लिखेंगे एवरी सेट कॉल्ड सबसेट, मतलब एवरी सेट यानी प्रत्येक जो समुच्चय है वो अपने आप का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई होगी? यानी जो सेट है वो अपने आप का सबसेट जरूर होगा, प्रत्येक सेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, ये एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट भी प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। तो एम्प्टी सेट के बारे में बेटा आप यही चीज लिखेंगे कि जो एम्प्टी सेट है आपका, ये क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आई बात, या दोबारा बताऊं कोई बात, बोलो बेटा जल्दी से। चलो जी आ रही है वेरी गुड जी। वेरी गुड। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। बेटा ये चीज भूल मत जाना जो भी पढ़ाई। अब मैं नया हेडिंग डालता हूँ, प्रॉपर सबसेट। साफ भी नहीं हो रहा है ऐसे,
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। प्रॉपर सबसेट और दूसरी डालेंगे बेटा सुपरसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट क्या होता है देखो बेटा, आपने एक सेट लिखा ए बी और एक तरफ आपने लिखा ए बी सी, तो बेटा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबसेट आप पढ़ चुके कि ये वाला जो सेट है समुच्चय ये इस वाले का सबसेट है, यही है ना। ये जो सेट है ये इस वाले का सबसेट है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो इस पे हम ऐसा साइन लगा सकते हैं, यानी ये जो सेट है ये इस वाले सेट का सबसेट है। अगर मैं इनको एक रिश्ते का नाम दूं, यानी ये जो है ये इसका बेटा है, तो बेटा ये जो होगा ये भी तो इसका कुछ लगेगा, बताओ क्या लगेगा। मैंने बोला ये जो है ये बड़े वाले सेट का बेटा है, तो ये क्या लगेगा इसका बोलो, बाप फादर। तो यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है भाई, ये जो सेट है ये इस वाले का सबसेट है। तो अगर मैं नई लाइन में लिख दूं ए बी सी और इधर लिख दूं आपका ए बी, तो बेटा ये जो है इस वाले का सुपरसेट कहलाएगा। तो सुपरसेट का निशान उल्टी तरफ से, मतलब सी को आप उल्टा बना दें। तो यानी अगर मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं, इसको मैं ए बोल दूं बेटा, इसको बी बोल दूं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर हुई बात, ये कोई दिक्कत परेशानी बताओ, क्लियर हुई ना बात भाई। ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो मुझे उम्मीद है सुपरसेट तो क्लियर हो गया। तो सुपरसेट के बाद हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट। देखो बेटा प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पिछले टॉपिक पे एक सेट लिखा आपने ए बी, तो बेटा ये क्या है आपका एक सेट। अब हमने इसके सबसेट लिखने शुरू किए, बोल बेटा क्या क्या सबसेट हो सकते हैं इसके, कुछ भी बता चाहे गलत ही बता, बता क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट। सबसेट यानी उप समुच्चय, बोल बेटा क्या क्या हो सकते हैं। ए बी एक तो हो गया आपके पास ए बी, दूसरा ए ए इसमें कितने एलिमेंट है, दो, एन की वैल्यू दो, तो सुपर सबसेट कितने, ओ सॉरी सबसेट कितने होंगे, टू की पावर टू यानी फोर, काउंट करो एक दो तीन चार, बस और नहीं आएंगे बेटा, और नहीं आएंगे। तो मैं आपको समझा प्रॉपर सबसेट। देखो बेटा प्रॉपर सबसेट होता क्या है, देखो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दो, और यहाँ देखो बेटा इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है एक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है एक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट टू वन वन जीरो। तो देखो बेटा प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, मैं आपको प्रॉपर सबसेट बताता हूं। देखो प्रॉपर सबसेट जो होगा बेटा, अगर ये जो हमारे सबसेट जितने भी हैं नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है उसको छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बेटा इसको छोड़ दो,
तो प्रॉपर सबसेट कैसे होंगे सारे, ये वाले ए प्रॉपर सबसेट, बी प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट, यानी ऐसे सबसेट जो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ना रखते हो। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर सबसेट, बट दिस 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 इज प्रॉपर सबसेट। समझ में आया प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? जी, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ना हो तो वो कहलाते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट। अब ये जो है आपका ए बी, ये क्या कहलाएगा आपका बेटा? ये ए बी भी हालांकि सबसेट ही है, ये ए बी भी सबसेट है, लेकिन ये कैसा है? इक्वल वाला सबसेट। इसके नीचे आप ऐसा निशान लगा सकते हैं क्योंकि ये तो इक्वल हो गया ना, सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो सबसेट के नीचे आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सबसेट भी है और इक्वल भी है, जबकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो बेटा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गई होगी बात, या दोबारा बताऊं कोई बात? आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो, किताब से भी उतार सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ ए सबसेट बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में then A is called a proper subset of B and B is called superset of A। बेटा पेज नंबर 10 पे इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड दो तीन हेडिंग दी है और सबसेट नीचे लिखा भी है डेफिनेशन, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। बाकी बेटा मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, आप थ्योरी वहाँ से लिख लें, किताब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा अब थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए और समझा देता हूँ आज का जो होमवर्क रहेगा। हालांकि सेकंड टॉपिक भी पढ़ाना था, अगर सारे बच्चे आते तो मैं सेकंड टॉपिक भी पढ़ाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितने आए उतने ही सही, रिकॉर्डिंग हमने कर ही ली। देखो बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा आपका वो ये रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 इसका होमवर्क लिख लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और बेटा एक्सरसाइज जो है आपकी 1.3 का केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन। बेटा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो मैं फर्स्ट का तुमको हो तो एक पार्ट बता सकता हूँ। देख बेटा जैसे 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में से कहा है 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इधर लिखा है इसने 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो क्या बेटा ये सबसेट है? इस वेरी गुड, तो आप यहाँ निशान लगा देंगे सबसेट का। अगर बेटा ये नहीं होता सबसेट तो डज नॉट सबसेट, ऐसे काट देंगे इसको। तो अगर सबसेट है तो आप सबसेट का निशान लगा दें, और अगर सबसेट नहीं है तो उसको आप काट दें। ऐसे ही बेटा सेकंड है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट में बताता हूँ मैं। दूसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने? जी, एग्जामिन whether the following statement are true or false। तो इनमें केवल हमें true और false बताना है बेटा। तो यहाँ लिखा है आपके पास A B, फिर लिखा है आपके पास does not subset, फिर लिखा है B C A। बता भाई true है या false है, सत्य है या असत्य है? False। False, very good। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज तुम होमवर्क करो, थोड़ा सा एंजॉय आएगा तुम्हें, और रिकॉर्डिंग को भी मैं भेजने का प्रयास करूंगा आपकी। बेटा आज के लिए हम इतना ही काम करते हैं, ठीक है बेटा? मजा आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई?
जी नहीं।